नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरीके से विधानसभा में टिप्पणी की, जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी, जिस भाषा शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद लगातार उनके खिलाफ जो है कई तरह की बयानबाजियां होती नजर आ रही थी। यहां तक कि बीजेपी के MLC जो है वो रोती हुई भी नजर आई कि आखिर इस तरीके से कैसे बिहार के मुख्यमंत्री ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसी चीजें जो है वो कह रही है जो कि सरासर गलत है। और काफी इस मामले पर बवाल जब हुआ तो आखिरकार अब नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने माफी मांगते हुए खुद की निंदा की और कहा कि मैं शर्म करता हूं, अपनी निंदा करता हूं। यही नहीं, राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार के बयान को लेकर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि विधानसभा जैसे चल रहा वैसे चलने दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अपने बयान को लेकर जो है वो कह रही है, वो माफी मांग रहे। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर मचे हंगामे को लेकर रिएक्ट किया। जनता भी काफी आक्रोशित थी, तो इसे लेकर उन्होंने कहा कि हमने महिला के विकास के लिए काम किया, महिला सशक्तिकरण के पक्षकार है, अगर मैंने कुछ गलत कहा, किसी को मेरी बात सही नहीं लगी तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। और क्या कुछ कह रहे नीतीश कुमार जी, जरा सुन लीजिए। ने यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, अरे आप लोगों नीचे कीजिए, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और जब पता चला कि साहब अगर पुरुष और स्त्री दोनों महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि दो है, और बिहार का आया तो वहां के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा। और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हम पे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों, जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, इसको हम वापिस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा, किसी को मेरी बात जो है सही नहीं लगी, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं शर्म करता हूँ, मैं अपनी निंदा करता हूँ, निंदा करने वालों का अभिनंदन करता हूँ, मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। तो बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के बयान पर जो है उन्होंने फिर से माफी मांग ली। विधानसभा में ऐसा भी समय था जब नीतीश कुमार चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कल आपको मेरी बात अच्छी लग रही थी, आज आपको कहा गया होगा कि नीतीश कुमार की निंदा करो, तो आप मेरी निंदा कर रहे हैं। और उसका एक छोटा सा भी है, जरा देख लीजिए। कल एक एक चीज तय हो गया, लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं, और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापिस करता हूं, और मैं उस शब्द को वापिस करता हूं, और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आप जान लीजिए, जो राज्य के हित में काम हुआ है
महोदय कोई कल ही कर दिया गया आपकी बराबर सारे कानून आ रहे हैं महोदय और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बराबर है कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए। अब क्या बोल रहे हो, हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर वो कह रही हैं, लेकिन मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूँ, मेरे से जो है गलत मैंने बोल दिया, चीजें हुई। उसके बाद आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बयान को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने के लिए मिली, उनके इस्तीफे की मांग होने लगी, विधानसभा में हंगामा को बढ़ते देख सीएम नीतीश कुमार जो है आज खुद मोर्चा संभालते नजर आए। उन्होंने विधानसभा में कहा कि अगर मेरी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो कृपया करके बैठ जाइए, मैं सफाई दे रहा हूँ, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, अब बैठिए तो सही। और इसके बाद उन्होंने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं जो हूँ मैं महिला सशक्तिकरण का पक्षधर हूं, और इसके बाद अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं अपनी ही निंदा करता हूं, मैं खुद की निंदा करता हूं, और अब जो है इस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार के बयान को लेकर जो है माफी मांगी है। राबड़ी देवी भी नीतीश कुमार के बयान को लेकर माफी मांगती हुई नजर आई। उन्होंने ये कहा कि जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कहा कि ऐसी बात नीतीश कुमार के मुंह से गलती से जो है निकल गई, जिस पर उन्होंने माफी भी मांगी, सदन चलते रहना देना चाहिए और मुख्यमंत्री को अपनी बात का पछतावा जो है वो है। तो राबड़ी देवी का भी बयान है, जरा सुन लीजिए। सदन चलने देना चाहिए, तो ये तो भाजपा वाले बात का बतंगा मना रहे तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पछतावा है उनके बयान को लेकर, तो इसको लेकर जो है हंगामा नहीं होना चाहिए और उनको जो है इस सदन को चलने देना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो नीतीश कुमार को घेरते नजर आया। असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, उन्होंने उसे वल्गर बयान कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश का बयान वल्गर है जो आम रोड पर बैठकर या किसी घर में बैठकर गुफ्तगु नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार के बयान ने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है, उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने बयान पर दुख जताते आहत हुए लोगों से माफी जो है मांग ली है। उन्होंने कहा कि वल्गर बयान है, विधानसभा कोई सिनेमा हॉल तो नहीं है जो इस तरीके की बयानबाजी करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसा भी बोल सकते थे कि अगर महिलाएं पर्याप्त रूप से शिक्षित होती तो वो तय कर सकती कि आखिर उन्हें जो है कि बच्चे कब पैदा करने हैं, और क्या कुछ कह रहे थे ओवैसी, जरा सुन लीजिए। नहीं देखिए, विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है, वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में घर की चारदीवार में बैठकर गुफ्तगु करने की जगह नहीं है, वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है, और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहां पर वो इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहा है बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज्यादा पढ़ेंगी वो अपने औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, पर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे, ये तो समझना चाहिए। जब वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से अगर वो बता रहे हैं तो फिर जो जिस तरीके से हमारे पास पुरुष हैं जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, आप तो उनको पैगाम दे रहे हैं, इस बात का क्या मैसेज दे रहे हैं आप? भाई आप कुछ भी आप जो भी आप बोलेंगे या प्रोग्राम करेंगे, मकसद तो ये होता ना कि भाई महिलाओं को ताकतवर बनाया जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको समाज में और उनको ताकतवर हो मुकाम मिले, मगर बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने उस चीज़ को बयान किया है। मैं तो डिमांड करता हूँ कि नीतीश कुमार विधानसभा में अपने उस अल्फाज को वापस लें, और ये बहुत ही गलत मैसेज बिहार के महिलाओं को, देश के महिलाओं को
नीतीश कुमार ने दिया है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि विधानसभा की भी कोई मर्यादा होती है, विधानसभा कोई जो है सड़क नहीं है, ना सिनेमा हॉल है। नीतीश कुमार को सोच समझ कर जो है बोलना चाहिए, विधानसभा की जो मर्यादा है उस मर्यादा को उन्हें रखना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है और विधानसभा में उन्होंने जिस तरीके के भाषा का उपयोग किया वह अश्लील है। आप कहीं सड़क पर या जो है सड़क पर यह बात नहीं बोल रहे थे, उन्होंने समझना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि वो अपना बयान विधानसभा में वापस ले, और उन्होंने बहुत गलत संदेश बिहार की महिलाओं को दिया है, इस पर भी उन्हें जो है दुख व्यक्त करना चाहिए, इस पर भी उन्हें समझना चाहिए कि उनकी गलती जो है कहां हुई है, और उन्हें इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जो है उन्हें संसद में जो है आप कहिए कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यह सरासर जो है गलत बयान है और इस तरीके की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले को लेकर जो है नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं। सिलसिला यही नहीं थमा है, यही नहीं रुका है, इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। और जो है आपको बता दें कि नीतीश कुमार के अंगाल जो है इस मामले को लेकर काफी बयानबाजियां भी हो रही हैं। इस मामले को लेकर अगर आपको बता दें कि बीजेपी की जो नेता है, इस मामले को लेकर भाजपा के नेता अपर्णा यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते नीतीश कुमार को इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए। विधानसभा देश का बहुत गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है, बिहार के लोग बड़ी सुलझी मानसिकता के होते हैं, वहां के मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की बात करना शर्मनाक है, इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में ही नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग आईएएस पीसीएस निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहां के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हों तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का अमर्यादित बयान दे करके उन्होंने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। ये कोई बात कहने वाली है विधानसभा में? आप बताइए कि इस तरह से बात करने का मतलब क्या था उनका, और उनको माफी भी मांगनी चाहिए, और मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। वहीं इस मामले को लेकर जो है बयान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी बयान दिया, और उन्होंने विधानसभा के जिस तरह का बयान दिया है वह सी ग्रेड के फिल्म का डायलॉग लग रहा है। यह बयान उन्होंने विधानसभा में सभी महिला और पुरुष के सामने कही, और सबसे बुरा था कि वह वहां पर बैठे पुरुष इस पर हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर उन्हें ज्ञान देना था तो बहुत से तरीके हैं ज्ञान देने के, उन्होंने इस पर जो है माफी मांग देने चाहिए, तो तरीके से उन्होंने आज इस पर माफी मांगी है, लेकिन केवल माफी मांगना इसका उपाय नहीं है। बिहार स्पीकर को उनके खिलाफ एक कदम जो है उठाना चाहिए, तो कड़े कदम जो है उठाने की बात भी कर रही है बिहार स्पीकर से भी, और इसी तरीके से जो है लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। आखिरकार नीतीश कुमार जो है अपने बयान पर माफी मांगते नजर आए, राबड़ी देवी भी इस पर कर रही है, तो वही असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर उन्हें घेरा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।